गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू के ब्लॉग्स। तो आप देख रहे हैं कि आज ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन महारानी जी अभी तक सोते उठी नहीं हैं, बीमार पड़ी हुई हैं। दो दिन ब्लॉग्स बना के इतना थकी हैं कि आज इनसे उठा ही नहीं जा रहा है। भैया उठ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एक्चुअली मैं कोल्ड हो गया है, तो इसकी वजह से दवाई खाई है, तो नींद बहुत आ रही है, तो इसलिए आज इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आज चार चौधरी बन रहे हैं। हाँ? तो सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पिला दी, और क्या चाहिए। देखिए चाय के कप भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। परसों मैडम ने अपने ब्लॉग में कंप्लेंट करी थी, मैं चाय नहीं बना रहा, दो दिन से चाय बना के पिला रहा हूँ। वेलकम कर ये वो क्या कहते हैं काली मिर्च वाली चाय। आई होप अपने घरों में आप सब ठीक होंगे, तो बने रहिए। और देखो बज रहे हैं सुबह के 9:15, हमारी घड़ी हमने सारी घड़ियाँ घड़ी तो थोड़ी देर में अपडेट देंगे, अगर मैडम उठ गई तो। हाँ? नहीं उठी तो अल्लाह मालिक। तो जी मैं हो गई ऑफिस के लिए रेडी, और जा रही हूँ ऑफिस। सभी नहाया है, पूजा कर रही हूँ, और ये नाश्ता कर रहे हैं। आज नाश्ते में है दलिया, और ये बैठा है कोको। ये देखिए कोको। अब करूँगी पूजा और उसके बाद निकलूँगी ऑफिस के लिए। गीता जी पराठे बना रही है, और ये बैठी है सुहानी यहाँ पे उठ के। क्या कह रहे हो तुम? कैसे? गुड मॉर्निंग। इतनी मरी मरी आवाज़ में। ये देखो ये रेडी हो रहा है कॉलेज के लिए। ऐसे कपड़े पहन के कौन जाता है कॉलेज, देख लो। ये नाश्ता है। ये मॉम ऑफिस जा रही है, ये है इनका ऑफिस। तो अभी बज रहे हैं 8। देखो अभी आई हूँ मैं, सुबह कितने बजे गई थी? आप लोग कहते हैं ना कि मैं जवाब नहीं दे पाती कई बार, या बात नहीं करती, तो इसलिए, क्योंकि अभी इतना लेट आए तो इंसान कैसे कर सकता है। तो जी अभी बन रहा है, आप बताओ क्या बन रहा है, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या बन रहा है? और ये है आलू गोभी की सब्जी, ये दूसरी सब्जी बन रही है। और बना कौन रहा है? गीता जी। मैं बनाती हूँ। गीता जी बनाती है। और ये सुहानी जी कुछ पैकेट्स है, उसको क्या बोलते हैं ना, अनबॉक्सिंग कर रही है, जो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये रही मेरी छोटी सी गंदी जी बच्ची, ये सिर्फ देखो कैसे बैठी है। कोको क्यों आना चाहता है बीच में बेटा? कोको बीच में नहीं आना। हाँ उठ गई है भैया, चालू है बहुत। हाँ कोको क्या चाहिए तेरे को? ये देखो वही आस पास ही घूमते हैं दोनों। कौनी आप कौन सी क्लास में हो? 9। अभी आप 8th क्लास में हो, अभी रिजल्ट आया नहीं है। इतने भी बुरे बात नहीं आएगी, मैं फेल हो जाऊंगी। अरे नहीं, पर अभी तो आप 8th में हो ना, अपना अभी का स्टैंडर्ड बताओगे ना। 9th में जा रही हूं मैं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। ओके। और जस्ट अभी पहुंची हूं, और ये लिया है पानी का ग्लास। और आज के जो ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे, जो मैंने लोगों को नाम लिया, अच्छा लगा। तो कुछ लोगों के नाम रह गए थे, तो मैं भी उन लोगों का नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने किसी का लिया और किसी का नहीं लिया। तो मैंने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अब होता क्या कि जब हम एक्चुअल में जब कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे को एकदम से माइंड से स्किप कर जाता है वो चीज़ें। तो अतिशा त्रिवेदी, प्रियंका शर्मा, नेहा गिरी, और पूर्वी वाजपेयी, और नंदनी, और हाँ इन लोग, ये लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू है कि ये मेरे वीडियोस पे बहुत लाइक करते हैं और
कमेंट्स करते हैं हमेशा। इवन कुछ लोग तो वो भी है जो इंस्टाग्राम पे भी मेरी वीडियोस रील्स को लाइक करते हैं। और सोनू साख्या जो थे कह रहे थे कि भैया दूज पूछ रहे थे कि आपने डाली नहीं, तो उनका मतलब था कि भाई उनके यहाँ पे शायद होली के बाद भी भैया दूज मनाया जाता है, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे भैया दूज जो है वो दिवाली के दूसरे दिन आता है। जैसे बड़ी दिवाली आती है, फिर छोटी दिवाली आती है, फिर बड़ी दिवाली आती है, फिर वो आता है गोवर्धन, और फिर आता है भैया दूज। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ भैया दूज तो है वो एक ही होता है और ज़्यादा नहीं होते हैं। और प्लस विवेक यादव जो थे उन्होंने बताया कि उनकी जो वो हैं वो फीमेल है और उनकी जो रियल नेम है वो खुशबू यादव है। तो थैंक यू खुशबू यादव तुम्हारे को भी, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारा जो आईडी पे नाम आ रहा था वो विवेक यादव ही आ रहा था इसलिए। और पूजा कुमारी जो है वो मुझसे कह रही है कि लक्ष्य सर बहुत खड़ूस हैं, जवाब नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं तुम लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो लक्ष्य सर है वो बहुत बिजी रहते हैं, इवन दो हम लोगों से भी मिले हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो फ्री नहीं होते हैं और वो इतना नहीं देखते हैं, सारे मैसेजेस नहीं देख पाते हैं, और अपनी तरफ से वो पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि वो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बाकी वो अगर सब सोचो, मैं ही कई बार ऐसे रिप्लाई नहीं कर पाती, तो जबकि मेरे को तो इतना लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उनके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनको वो करते हैं, तो वो किस किस का रिप्लाई करेंगे। वैसे वो नहीं कर पाते हैं किसी का भी, और इतना टाइम होता नहीं है, उसके बाद बहुत लिमिटेड टाइम होता है। और तो इसीलिए, और आप वो रूड नहीं है, उनके पास सिर्फ टाइम की कमी है, टाइम नहीं है उनके पास। और बाकी जब कभी फ्री होंगे तो ज़रूर करेंगे रिप्लाई आप लोगों के मैसेजेस का। और तुझे क्या करना है ऐसे, क्या चाहिए तेरे को, देखो, और क्या चाहिए तेरे को, देखो क्या चाहिए, ये कुत्ता बिल्ली देख रहे हो आप, कभी ऐसे देखे आपने, ये देखे कभी, ये देख रहे हो, हाँ ये दूर से ऐसा करता रहेगा। अरे आ मेरा बच्चा, उसे भी तो टेंशन था, टेंशन दे तो रखिए, उसको भी तो टेंशन दे रखिए। और आपके भी कोई और क्वेश्चन भी होते तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अरे कोको, ये देख रहे हो ये ऐसे ही करता है, अभी उसको पकड़ रखा ना तो इसलिए वो मेरा एक हाथ को कर रहा है कि मैं उसको हाथ ना लगाऊं। आपके घर में भी ऐसे ही करते हैं क्या पेट्स? और ये देखो कितना आराम से बैठी है, तो अभी अब मैं सोच रही हूँ कि एक दो रील बनाऊंगी, लाइक देखती हूँ अभी, नहीं तो चेंज करूँगी, पूजा करूँगी, और पूजा करके फिर टीवी देखूंगी और थोड़ा एडिटिंग करूंगी। और ये मैं तुमको दिखाती हूँ, ये हमारे घर में एक फिश एक्वेरियम भी है, तो इसमें जो है सिर्फ दो ही फिश है, सिर्फ ओनली टू फिश है। और इस फिश के पीछे भी हमारी ये जो बिल्ली है ना मिमी, ये पड़ी रहती है, ये छज्जे पे यहाँ बैठ जाती है और इसको खोलने की कोशिश करती है, और यहाँ पे बैठती है तो ये ऐसे ऐसे करती है जैसे उनको पकड़ लेगी, है ना ऐसे करती है ये, बताओ बिल्ली। और गीता क्या रात में क्या करती है बता जरा, परेशान करती है, काटती रहती है। नहीं वो क्या करती है, जो खाना खा लेते हैं, जो एक दूसरे का खाना खाना चुरा के खा लेते हैं, इसको खाना तो बिल्लू को ये खा जाता है पूरा खाना काट वाला, तो बिल्ली फिर रात को, वो तो रात में उसको थप्पड़ मार के भाग जाती है। कौन मारती है? बिल्ली मारती है, बिल्ली थप्पड़ मार के भाग जाती है खिड़की पे, उनको पता मोटा है वो आ नहीं सकता, तो इसलिए वो मार के भाग जाती है, मार के भाग जाती है, फिर एसी पे चढ़ जाती है। तो रात भर यही काम उतरता है इन लोगों का, कुत्ता बिल्ली का। तो ये पहला कुत्ता जो बिल्ली से डरता है, ये पहला कुत्ता जो बिल्ली से डरता है अपनी, ये तो वहा डरपोक है, ये वो तो भौंकना भी नहीं आपको पता, ये ऐसा कुत्ता है, ये ऐसा कुत्ता है कि अगर हमारे घर में चोर आ जाए ना है, तो ये चोर आएंगे तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ना अपनी जान बचा के छुप जाएगा, मतलब ये हमारे को नहीं प्रोटेक्ट करेगा, ये छुप जाएगा, या फिर हम अपनी उनकी जूते चप्पल लेके उसको कोने में लेके काटता रहेगा, ये ऐसा करेगा आपको पता। और जो ये बिल्ली है ये सोती रहेगी, और ये कुत्ता जो है ये देखो अभी भी चप्पल लेके लगा हुआ, अब बॉल ले आया, तो ये ऐसा बदतमीज कुत्ता है, ये भौंकता नहीं किसी पे,
है बाबू, किसने लाया हम आपको? है बाबू, बाबू तू हमारी रक्षा क्यों नहीं करता है? ये रक्षा क्यों नहीं करता है हमारी, बताओ हमारी रक्षा क्यों नहीं करते आप? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हो? देखा आपने, देखो देखो अब बॉल के पीछे जा रहे थे, ये करता रहेगा, ऐसे गेम खेलना है इसको। तो फिर मिलते हैं, और आज का मेन्यू मैंने आपको दिखाया है, और मैंने आपसे पूछा है कि एक सब्जी का नाम तो मैंने बता दिया कि क्या बन रही है, आप बताना दूसरी सब्जी जो मैंने दिखाया था, जिस जो भी चल रही है गैस पे चल रखी है, वो क्या बन रही है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। जो लोग खाना बनाते होंगे वो तो बता देंगे, वो इजीली उसको समझ जाएंगे, बाकी जो यंगस्टर है उनको समझ नहीं आएगा। ओके चलिए मिलते हैं। तो कुछ नाम जो थे वो रह गए थे, और उनका भी मैं नाम लूँ, तो एक है वंदना श्रीवास्तव, और अश्विनी अहिरे, और तामिली, और मनाली सावंत। तो इन लोगों का भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अच्छे अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए। और ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, इसका यही काम है। और अब बज गए हैं रात के 10 बजने वाले हैं, तो अब हम इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। गीता आ जा, तेरे भी बहुत जाने वाले लोग हैं, उनको बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोग लाइक कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे करें, और जिसका अच्छे जिसका कमेंट मुझे अब से बहुत अच्छा लगेगा तो उसका स्पेशली नाम लिया जाएगा व्लॉग के एंड में, और बीच में कहीं पे भी लेंगे। और ये अपने हेयर कट दिखा रही है, जो ये करवा के आई है नानी के यहाँ से अपने, ये देखो अपना हेयर कट करा के आई है, और ये बिल्लू भी यहाँ बैठी है। तो गुड नाइट गाइस, आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और लाइक्स और कमेंट्स करते रहें।